बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं स्मॉल फ्लावर बंच बना रही हूँ। और मैं ये जो फ्लावर है डबल कॉस्टोन और सिंगल कॉस्टोन दोनों से बनाऊंगी। ये सबसे पहले हम फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर के देखिए, मैंने ये फोर पत्तियाँ जो हैं इसकी मैंने बना ली हुई हैं और ये एक मैंने छोड़ी है इसको, तो इसे शुरू करते हैं। ये देखिए, ये दरमियान से हमने निडल को पास किए, ये धागे हमने, ये देखिए इनको हमने, ये फोर स्टैंड है। तो ये देखें, ये डबल इधर कर लेना है, डबल हमने इस साइड पे कर लेना है। ये देखेंगे धागे हमने दोनों, एक ये दो इस साइड पे कर लिए, दो इस साइड पे कर लिए हमने। यहाँ से ये निडल को पास करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये डबल कॉस्टोन से मैं पहले भी आपको एक फ्लावर बनाने का आइडिया दे चुकी हूँ, तो आज मैं डिफरेंट स्टाइल से आज फिर बनाऊँगी। देखिए, एक बार हमने इस साइड से डालना था, एक साइड से, एक बार इस साइड से। इस तरीके से हमने 35 ये कॉस्टोन जो है ना इसमें डालनी है। देखिए, ये 35 टाइम्स हो गए, हमने इसको नीडल में से निकाल दिया। देखिए इसी कैसे ये बन गए। अब ये कॉस्टन देखिए बन गए। अब हमने यहाँ से ये साइड से ये नीडल को पास करना है। ये जिस ये देखें, ये आपको छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हैं, हमने ये 35 कॉस्टन लिए थे, ये इनमें से हमने निडल को पास करना है। और ये देखें धागा आगे रखेंगे हम, ये हर हर में से हमने इस तरीके से निडल को गुजारना है। ये आप सिंगल शेड इससे भी बना सकते हैं, और ये इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ डबल से भी। तो ये मैं इसलिए डबल से कर रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए और बनाना आ जाए, कि पता चले कैसे बन रहा है ये, वरना ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी बनाए। इसी तरह देखिए एक साइड बन गई इसकी। अब इसी तरीके से हमने ये दूसरी साइड इसकी बना लेनी है।
देखें एक दफ़ा हमने इसको कर लिया, एक वन टाइम ये हो गया। अब इसी तरीके से हमने हमने इसको रिपीट करना है यहाँ से। देखें फिर हम इस स्टिच में से इसको निकाल लें। ये देखिए ये वन साइड दोबारा से कंप्लीट हो गई है। तो पहले हमने ये था कि नीडल को पास करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया था, अब हमने यहाँ के नीडल को पास नहीं करना, इसी तरीके से इसको बनाते जाना है तक इसकी शेप जो है ना वो राउंड बन जाए। इसी तरह बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना। ये देखिए ना मुकम्मल हो गई है। यहाँ से साइड से स्टिच लेना। आप इसको इस तरीके से भी अपनी मर्जी रहने दें, चाहे तो इसको फिक्स कर लें। अब यहाँ पे फिलिंग हम फ्रेंच नॉट से कर देंगे। ये फ्लावर देखिए मुकम्मल हो गए, तो हम इस फ्लावर को बनाते हैं। इस फ्लावर को मैं काटा अंके से बनाऊंगी। ये देखिए ये फ्लावर देखें मुकम्मल हो गए। अब ये देखें फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम ये यहाँ से हमने नीडल को पास किया और ये इस देखें ये वाली जो पत्ती है यहाँ से हमने इसको ये भी ये देखें वापस लेके आना है। और इस पर यहाँ हमने डबल कॉस्टन बनाया था, ठीक है, अब यहाँ हमने सिंगल बनाना है और ये हम 40 टाइम्स करेंगे। देखें ये देखिए हो गया 40 टाइम, इसको निकाल लेना है। ये देखिए इसको इस तरीके से हमने इसके साथ साथ स्टिचेस लेके इस पर फिक्स कर देना है।
इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स पे बनाना है। देखिए इसी कैसे सिंगल कॉस्टर हमारे सारे कंप्लीट हो गया बन के, फिर हम इसे बनाएंगे। फ्लावर देखिए मुकम्मल हो गया। अब इसमें फ्रेंच नट से फिलिंग कर देंगे। अब ये देखें ये मिरर लगा हुआ है, साइड पे इसके सर्कल बना हुआ है, तो अब हम यहाँ पे इस मिरर को भी बनाएंगे और साथ इसके फ्लावर बनाते हैं। आपको मैं को डिफरेंट स्टाइल से मिरर लगाना बता रही हूँ, इससे पहले भी मेरी वीडियोस बहुत सारी मिरर्स पे हैं, वो आप देख सकते हैं उनको। ये देखें एक बार हमने इसको मिरर को यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर लिया, अब इसी तरह से हमने इस पर दोबारा से फिर बना लेना है। अब यहाँ पे इसका जो जो दरमियान है यहाँ से ये देखें, अभी एक बार हमने इसी कैसे इस पर ये स्टिचेस लेके से बनाना है। ये देखिए यहाँ से हमने नीडल को निकालना है और ये हमने इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये ऐसे वापस हमने इस तरीके से आना है और यहाँ पे हमने स्टिच उठाना है। ये देखिए इस तरीके से, अब धागा हमारा इस साइड पे होगा। ये देखिए ये यहाँ से हमने ये देखिए एक स्टिच हमने यहाँ से उठाना है और एक स्टिच हमने यहाँ पे लेना है और ये धागा हमने अपना इस तरीके से रखना है। देखिए ये इस तरीके से बन गए और ये यहाँ से हमने टांका लेना है और ये देखिए यहाँ से निकाल इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहीं से ये देखिए यहाँ से स्टिच एक उठाया और ये इसके ये देखिए इस स्टिच के बराबर यहाँ पर आए। एक स्टिच यहाँ से और एक स्टिच यहाँ से, फिर यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए हमने इसे पूरा करना है।
ये बन के देखें कितना हसीन लग रहे हैं, और बिल्कुल फ्लावर की शेप आई हुई है देखें इसकी। अब हम ये लीफ बनाएंगे, ये देखें इसका ये जो अंदर वाला ये वाला पार्ट है इसका मैं येलो कलर से बना रही हूँ। इसी तरह से मैं ये बना लूँगी। अब ये देखिए ये मैं इसको बैक स्टिच से बना रही हूँ, लेकिन इसको बनाना अपने इस तरीके से कि देखिए ये जो स्टिच है ना इसके हाफ से ये यहाँ से दोबारा से निकाल कर निकालना है। ये लीफ की जो बाहर वाली साइड है ये सारी इसी तरीके से बना रही हूँ। ये लीफ बन गया, ये वाला लीफ भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे इसको बनाया। इसकी ब्रांच बना रहे हैं, ब्रांच बना के इसका लीफ बनाएंगे। ये लीफ बन गए, ये बाकी सारे हमने इसी तरीके से बनाने हैं जो बाकी रह गए हैं। ये फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत बन गए हैं, ये पूरा बंच कंप्लीट होकर कितना अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ ये ब्रांच बाकी रह गई है, अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इतने इतने स्टिच लेने, ये धागा इसने डल के इस तरीके से कैसे गुजारना है, ये ब्रांच बनाते जाना है।
आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो पसंद आ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।